प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में आई बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करते हुए राज्य में राहत और पुनर्वास कार्यों में मदद के लिए 1,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने राज्य में बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के बाद कल श्रीनगर में ये जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो और सहायता दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने अन्य राज्यों से भी मदद देने की अपील की है। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बाढ़ राहत के प्रयासों में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को मदद की भी पेशकश की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कल शाम भेजे पत्र में श्री मोदी ने कहा कि संकट की इस घड़ी में राहत के प्रयासों में पाकिस्तान जहां चाहे भारतीय संसाधनों का इस्तेमाल कर सकता है। उधर पाकिस्तान ने भी बाढ़ के कारण जम्मू कश्मीर में हुए जानमाल के नुकसान पर गहरा दुख व्यक्त किया है। इस बीच राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल ने जम्मू कश्मीर में अपने और दस्ते, नौकाएं और तंबू भेजने का फैसला किया है। ये बल अब तक करीब 4,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा चुका है। उधर प्रभावित इलाकों में जल्द से जल्द बिजली की आपूर्ति बहाल कराने के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने अपने विभाग से हर संभव प्रयास करने को कहा है। आकाशवाणी महानिदेशालय ने जम्मू कश्मीर में बाढ़ की स्थिति की निगरानी और राज्य में बचाव राहत कार्यों के समन्वय के लिए नियंत्रण कक्ष बनाया है, जिसका फोन नंबर है 011-2342-1080। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने छात्रों को अंगदान के प्रति जागरूक बनाने पर जोर दिया है। नई दिल्ली में कल एक समारोह में उन्होंने कहा कि अंगदान जैसी महान सेवा के प्रति बच्चों में अनुकूल सोच पैदा करने के लिए वे केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय से पाठ्य पुस्तकों में अंगदान पर लेख आदि शामिल करने का अनुरोध करेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। ये दिन हर वर्ष लोगों, समाज और समुदाय में साक्षरता का महत्व दर्शाने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है साक्षरता और निरंतर विकास। इस दिन को मनाने की शुरुआत यूनेस्को ने 1965 में की थी। देश में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण ने कई समारोहों के आयोजन की योजना बनाई है। नई दिल्ली में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जन शिक्षण संस्थान द्वारा तैयार उत्पादों के प्रदर्शन के लिए कृति प्रदर्शनी 2014 का आयोजन किया है। बर्मिंघम में कल रात खेले गए एकमात्र 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 3 रन से हरा दिया। इसके साथ ही भारतीय टीम का इंग्लैंड दौरा संपन्न हो गया। मेजबान टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 180 रन बनाए। कप्तान इयान मॉर्गन ने 3 चौकों और 7 छक्कों की मदद से 71 धुआंधार रन बनाए। मोहम्मद शमी ने 3 विकेट लिए। इसके जवाब में भारत की टीम 5 विकेट पर 177 रन बना सकी। मॉर्गन को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। विश्व की नंबर एक खिलाड़ी अमेरिका की सेरेना विलियम्स ने लगातार 3री बार अमरीकी ओपन टेनिस का खिताब जीत लिया है। कल रात खेले गए फाइनल में सेरेना ने डेनमार्क के कैरोलाइन वोज़नियाकी को 6-3, 6-3 से हराया। आज पुरुष एकल के फाइनल में जापान के केई निशिकोरी का मुकाबला क्रोएशिया के मैरिन सिलिक से होगा। अमेरिका के ब्रांड बंधुओं बॉब और माइक की शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी ने स्पेन के मार्सेल ग्रेनोलर्स और मार्क लोपेस की जोड़ी को 6-3, 6-4 से हराया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। This is All India Radio, the news read by Captain Chinnam. Declaring the Jammu and Kashmir floods as national level disaster, Prime Minister Narendra Modi has announced additional 1,000 crore rupees as special assistance for flood relief and rehabilitation. He made the announcement in Srinagar after undertaking a visit to the state for first-hand information of the situation. Floods have claimed nearly 150 lives so far and left thousands of people marooned. The swirling waters have damaged buildings and snapped road and communication links, cutting off many areas. The Army Cantonment, Civil Secretariat and High Court have also been inundated. Transmission at Radio Kashmir Srinagar has also stopped. Stepping up the relief efforts, Indian Air Force has pressed 29 planes and helicopters into service, set up a disaster monitoring cell and alerted all its bases to a high state of readiness. Prime Minister Narendra Modi has offered assistance to his Pakistani counterpart Nawaz Sharif in the flood relief efforts in Pakistan-occupied Kashmir.
In a letter to the Pakistan Prime Minister last evening, Mr. Modi said, "It is a matter of great distress that the retreating monsoon rains have played havoc in many parts of the two countries." He said while reviewing the situation in Jammu and Kashmir, he was informed that the damage to life and property is equally severe in areas across the line of control as well. Conveying his deepest sympathies to the affected people and the families, Modi said, "In this hour of need, Pakistan can use India's resources in relief efforts wherever it needs." Meanwhile, at least 7 people were killed and about 20 went missing after a landslide buried 24 houses in Udhampur district of Jammu and Kashmir. Deputy Inspector General Riaz Udhampur Range Garib Das said the landslide triggered by heavy rains buried 24 houses of Panjar Sadar village in Panchari Tehsil of Udhampur district yesterday. He said bodies of 7 people have been recovered and nearly 20 have gone missing. According to reports, locals from a nearby village have rescued over 100 people. Interrogation of key Indian Mujahideen IM operative Ajar Sheikh, who was arrested by Delhi police from Uttar Pradesh's Saharanpur, indicates that the terror outfit was planning a strike in the national capital during the upcoming festival season. According to a senior police official, 27-year-old Sheikh, who was the logistics man and Havala router of the banned terror organization, had fled to Nepal after the arrest of Yasin Bhatkal last year and has been hiding there since then. The official said he was recently asked by his Pakistan-based handlers Riaz Bhatkal and Muhsin Chaudhary to reach Delhi. He was supposed to get further orders after reaching Delhi. Sheikh has claimed that the person he was supposed to meet and the activities he was supposed to carry out after reaching Delhi was to be revealed to him only at the last moment. However, investigators believe that he was supposed to provide money to some sleeper cell operators of IM through the Havala route. The Manipur government has withdrawn the prohibitory orders imposed under Section 144 of CRPC New Krung Town, where 2 persons were killed in police firing during protest against the prohibitory orders in the area. State Principal Secretary Home Dr. J. Suresh Babu said in a statement last evening that the state government reviewed the law and order situation in the town and it has significantly improved. He said security forces deployed in New Krung will also be withdrawn gradually if there is further improvement. In Pakistan, the dialogue between the government and Pakistan Tehreek-e-Insaf committees was held in Islamabad last night. After the meeting, Finance Minister Ishaq Dar said that both sides are working to defuse the situation. He said the talks will resume today. Pakistan Tehreek-e-Insaf leader Shah Mahmood Qureshi said meaningful dialogue is underway to reach on an agreement. He said that modalities are being finalized. India ended the England tour in a sour note as they lost the lone 2020 of the series by 3 runs at Birmingham last night. Opting to bat first, the host made 180 for 7, courtesy skipper Bjorn Morgan's quick fire 71 comprising 3 fours and 7 sixes. Baseman Mohammad Shami was the pick of the bowlers for India. He bagged 3 wickets, chasing 181 for victory. Team India could only make 177 for 5 in the stipulated 20 overs, despite the heroics from Virat Kohli and the end of innings cameo from Captain MS Dhoni. Kohli made 66 while Dhoni scored an unbeaten 27. World number 1 Serena Williams has lifted her 3rd consecutive US Open trophy and joined tennis great Chris Evert and Martina Navratilova on 18 Grand Slam titles in the women's singles final last year's night. The numero uno American defeated Karen Wozniacki of Denmark. And that is the end of this news bulletin. आकाशवाणी का ये पोर्ट ब्लेयर केंद्र है। इस समय सुबह के 6:10 हुए हैं। अब सुनिए जलियानों का यात्रा कार्यक्रम। जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार एमबीचौड़ा आज तारीख की बजाय अब कल मंगलवार 9 तारीख को सवेरे 7 बजे हैदराबाद से हटबे होते हुए काजीकोबार के लिए रवाना होगा तथा बुधवार 10 तारीख को दोपहर बाद 2 बजे काजीकोबार से चलकर हटबे होते हुए पोर्ट ब्लेयर की वापसी यात्रा करेगा। एमएस सैंसन हटबे और नानकोई होते हुए काबनबे के लिए बृहस्पतिवार 11 तारीख को सवेरे 7 बजे हैदराबाद से प्रस्थान करेगा। जहाज
शनिवार 13 तारीख को सुबह 9 बजे कैबलवे से छूटकर इन्हीं मार्गों से होते हुए पोर्ट पर वापस आएगा।